नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ एएनसी चैनल में। दोस्तों, जिन लोगों ने आईआरबी झारखंड पुलिस का जो एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में, इंडियन रिजर्व बटालियन जनरल कांस्टेबल कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2017 का ऑफिशियल आंसर की जो है हुआ जारी कर दिया गया है। आप इसे चेक कर सकते हैं कि आपने कितना सही बनाया है और कितना गलत। इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है इस साइट पे। ये साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके इस लिंक पे जा सकते हैं। उसके बाद आपको जो ज़रूरी चीज़ अपने पास रखना है वह है एप्लीकेशन नंबर। पहले आपको एप्लीकेशन नंबर इसमें डालना होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद पेपर नेम, यानी दो एग्ज़ाम था, एक हिंदी और एक कंपलसरी जो था वो, इसमें आपको वो सिलेक्ट करना है। और फिर इसके बाद जो कैप्चा दिया हुआ है इसको यहाँ पे भरना है, उसके बाद आप अपना आंसर की देख सकते हैं। तो चलिए, मैं इसमें एक मेरे पास है किसी कैंडिडेट का, तो मैं उसे चेक करके देखता हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं डालता हूँ एप्लीकेशन नंबर जो कि मैंने पहले से कॉपी कर रखा है, इसे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर डेट ऑफ बर्थ इसमें डालना है, डेट ऑफ बर्थ भी मैं इसमें डाल देता हूँ। चलिए, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ हिंदी का, हिंदी इसमें डाल दिया। उसके बाद मैंने जो कैप्चा यहाँ पे दिया हुआ है इसे फिल कर लेता हूँ। चलिए, तो फिर इस पर लॉगिन पे क्लिक करना है। इसे भरने के बाद लॉगिन होते ही आपके सामने इस तरह का एक पेज खुलेगा जहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ मिलेगा, रोल नंबर जो था वो दिखेगा, एग्ज़ाम आपका कब हुआ था वो दिखेगा, आपका नाम, एग्ज़ाम का जो टाइम था और पेपर नेम, ये सभी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर और क्वेश्चन सीरीज नंबर, जो आपका क्वेश्चन सीरीज था उसे यहाँ पर डालना है। उसके बाद क्लिक टू व्यू आंसर की लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए, मैं इस पर करके देख लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा, तो चलिए मैं अपना जो यहाँ पे है उस कैंडिडेट का मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ डाल के 11। चलिए, मैंने अपना क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहाँ पे डाल दिया और क्वेश्चन सीरीज था ए, वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप करते हैं क्लिक टू व्यू आंसर की लिंक, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने आंसर की का जो पीडीएफ फाइल है वह ओपन हो जाएगा। ये देखिए, आपके सामने जो है वह ओपन हो चुका है पेज। 120 क्वेश्चन थे, 120 क्वेश्चन का यहाँ पे अवेलेबल किया हुआ है। देखिए, कोड एक साथ ही, इसमें सभी कोड जितने आपके थे क्वेश्चन के सीरीज, वो सभी कोड एक साथ ही यहाँ पे शो हो रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन सीरीज का सेट है, क्वेश्चन सेट ए बी सी डी, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर लें, और मैं इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट लाता रहता हूँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।